देखो, अब हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि कर्ता और विधेय के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों का परिभाषा, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसका परिभाषा क्या है? वह शब्द या फिर शब्द समूह जिसके बारे में किसी सेंटेंस में कहा जाए या फिर जिसके बारे में कुछ बात की जाए उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि दीपक उठो, इसका मतलब मैं किसको किससे बात कर रहा हूँ? दीपक से। तो दीपक क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, है ना। अब प्रधानमंत्री मोदी सलखिया में आए, संभव तो नहीं है लेकिन आ भी सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री मोदी सलखिया में आए, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मोदी के बारे में। तो मोदी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि मदन कुछ नहीं जानता, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मदन क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब देखो, गाय घास खा रही है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो गाय क्या हुआ? मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो मोबाइल क्या हुआ? समझ में आ गया आप लोगों को? पुस्तक पढ़ना अच्छा है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? तो पुस्तक क्या हुआ? सब्जेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? जिसके बारे में भी हम बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर कोई स्थान हो, चाहे किसी के बारे में भी हम बात करें, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए मैं केवल दो लाइन लिया हूँ आप लोगों के लिए, दो सेंटेंसेस, ठीक है। पहला सेंटेंस है राम रन्स, राम दौड़ता है। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। राम दौड़ता है, इसलिए राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड सेंटेंसेस देखो, दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग, यह सुंदर लड़की गा रही है। तो कौन गा रही है? कौन गा रही है? सुंदर लड़की। तो यहाँ पर लड़की गा रही है, लेकिन इसके पहले जो सुंदर है और दिस है ये भी सब्जेक्ट में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। किसी के जब गुण की व्याख्या की जाती है, किसी के गुण के बताया गुण को बताया जाता है, गुण या फिर अवगुण कुछ भी हो उसको अगर बताया जाता है तो वो सारे शब्द उस सब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं। समझ में आ गया? इसको आपको समझना है। देखो, सेकेंड सेंटेंसेस में बता रहा था दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग, यह सुंदर लड़की गा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? दिस ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, क्योंकि जो दिस ब्यूटीफुल शब्द है ये गर्ल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए गर्ल के पहले जितने भी यहाँ पर गुणों का उसका बोध हो रहा है, गुणों को लिखा गया है, वो भी क्या होंगे? सब्जेक्ट ही होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में इसके नीचे मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ? इन सेंटेंसेस में राम व दिस ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बात की गई है, इसलिए राम व दिस ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट हैं। समझ में आ गया? पहले सेंटेंस में क्या के बारे में बात किया गया है? राम के बारे में। राम रन्स, राम दौड़ता है, दौड़ने का काम कौन करता है? राम करता है ना, इसलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है। और सेकेंड सेंटेंसेस में दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग, यह सुंदर लड़की गा रही है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? सुंदर लड़की के बारे में, इसलिए दिस ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब प्रेडिकेट बहुत सरल है, प्रेडिकेट को भी मैं बता देता हूँ एक ही बार में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या प्रेडिकेट यानी कि विधेय, इसका परिभाषा क्या है? किसी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे शब्द प्रेडिकेट कहलाते हैं। समझ में आ गया? हमने इससे पहले सब्जेक्ट में क्या छांटा था? सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कुछ बातचीत की जाती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं?
सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को जब हम अलग कर लेते हैं तो सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सारे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। ये शब्द एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा यानी कि दो तीन चार भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहला में पिछला उदाहरण ही मैंने दिया है, राम रन्स, राम दौड़ता है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आप लोगों को मैं बताया था सब्जेक्ट क्या है, इसमें से राम सब्जेक्ट है। तो राम अगर सब्जेक्ट हो गया तो बाकी शब्द कौन सा बचा? रन्स बचा। तो रन्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो बात किसका किया जा रहा है? वे, दे का बात किया जा रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। यहाँ पर बात किसका किया जा रहा है? वे का, दे का। तो बाकी कौन से शब्द बचे? आर प्लेइंग। तो ये जो आर प्लेइंग है ये क्या है? प्रेडिकेट है। इसी को नीचे लिखा गया है, आप देखो, इन सेंटेंसेस में रन्स व आर प्लेइंग प्रेडिकेट हैं। रन्स और आर प्लेइंग ये दोनों क्या हैं? प्रेडिकेट हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द सब्जेक्ट के अलावा हैं। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। राम रन्स में रन्स प्रेडिकेट होगा, दे आर प्लेइंग में आर प्लेइंग प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। नहीं है?